आखिरी में हम ये कहना चाहेंगे कि देखो दीदी, थोड़े पैसे तो आते हैं लेकिन जल्दी आते हैं। बकरी कम खाती है, कम लागत में लगता है और ज्यादा पैसे उसमें, जैसे भैंस हम पालें कम से कम इनमें 10,000 का तो खा जाएगी सिर्फ वो जिसको बोलते हैं चारा। पालने का फायदा ये है कि बकरी एक बार में 2 बच्चे देती है, गाय भैंस एक ही देती है। गरीब किसानों का जब इनकम बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके समाज में सुधार हो सकता है। हमारा दागो ट्रस्ट जो है वो इन लोगों को सहायता दे रहा है, लोन के थ्रू। लोन की वजह से हमको ये फायदा हुआ कि हम तत्काल, इतना हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं था कि जो हमने अपने पास से इतने बकरे खरीद पाते, तो पहले तो हम डरते थे कि भैया ये संस्था है, कहीं भाग ना जाए, कहीं माँ पैसा लेके डूब ना जाए, हमारे नाम कर्जा ना करवा दे। उसके बाद हम लोन निकाल के वही पैसा निकाल करके और संस्था को दिए, संस्था ने हमको बकरे दे दिए। ना तो हमारे पास एक पैसे का कर्जा हुआ, अपना जो कुछ दिया गया वो उन्होंने अपना मूलधन वापस ले लिया और हमको हमारा फायदा मिल गया। मंडी का रेट घटता बढ़ता रहता है, वो सीजन के हिसाब से चलता है, लेकिन हमारा पशु बाजार जो है कभी भी रेट कम का नहीं होता है। तो ये पशु बाजार एक ऐसा संगठन है जो कि किसान को अच्छा इनकम दिलाता है। ज़्यादा इनकम दिलाने के लिए उसको पशु सखी से खरीदवा करके VLTC में रख देते हैं। ये उठा करके अपना VLTC में बकरा रखती हैं और खिलाने पिलाने के बाद में जब वजन अच्छा हो जाता है तो उसको उठा के पशु बाजार में बेच देती हैं। GRG मीटिंग जो होता है उसमें हम किसानों को समूह, बकरी पालक समूह जो है उसको, सभी किसानों को बैठा करके उनसे सारी समस्या निकलवाते हैं, क्या क्या समस्या है आपकी बकरी में, इसके बाद में उसका हल बताते हैं। पहले जैसे पहले था तो कुछ बकरियां मर जाती थी, कोई इलाज करने वाला नहीं था, डॉक्टर हम लोग बाहर से बुलाते थे, कभी आता कभी नहीं आता, कितने बकरियां मर जाती थी सर। जब से हम लोग पशु सखी का काम करने लगे गांव में, अच्छा स्वस्थ बकरियां, तब से कोई बीमारी नहीं आती। अब एक के कमाने से 400-500 रुपये मेरे आदमी कमाते हैं, राजमिस्त्री के काम करते हैं, और 8 लोग खाने वाले हैं तो कैसे पोर लगेगा। महीने में जब 1,000-2,000-3,000-2,500 हम पा जाते हैं तो फायदा तो है ही है। अब इसी के काम करने से हम इस समय फ्रिज लिया है। देखो ऊपर वाले के रहम करम से रोज फोन आता है, आज हमारे बकरिया की ये इलाज कर दो, आज मेरी बकरिया गर्म है, आज मेरी बकरी का नाखून काटना है। कोई कोई बीमारियां नहीं समझ में आती है तो अब सर से मिलाते हैं, अंकित डॉक्टर सर देख लीजिए, ये बीमारी हमको समझ में नहीं आ रही, जैसे पेट फूल गया है या इसका जो है आँख जो है हल्का गुलाबी हो गया है। बस यही हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि AI करने के हम सीख लें और बढ़िया कलर, दो चीज़ हम सीख लें बस। द गॉड ट्रस्ट से हम जुड़े हैं और AI का काम कर रहे हैं। शहरों में तो हर जगह सब लड़कियां इतना काम कर रही हैं तो गांव वाले क्यों पीछे हैं, वो भी लोग जाएं, वो भी लोग सब करें। मतलब जैसे उनकी बकरी हीट में है अभी, मतलब तुरंत हीट में आई, वो तुरंत फ़ोन करेंगे, तो हम लोग वहाँ जाते हैं, फिर बकरी को चेक करते हैं हीट में है कि नहीं, उसके बाद AI की जाती है, फिर वो बकरी को देख के ब्रीड से डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्रीड इसमें चलेगा, बच्चा दे पाएगी कि नहीं, बच्चे का वजन कितना होगा, तो ये सब डिसाइड करके तो उसमें बेच दिया जाता है। से तोल के दिखाते किसान को बुला के कि देखिए आप इनका AI का बच्चा है तो इतने किलो का है और आपका घर का बच्चा है तो कितने किलो का है, आप इसी से देख लीजिए कि फ़ायदा है या नुकसान है, तो किसान को समझ में आ जाता है। पहले तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था, गांव में मीटिंग हुई, उसके बाद देवकी नंदन सर वो मतलब हेवली में रहते हैं तो उनको बोला गया कि आप इनको सिखाइए, तो वो हमको फील्ड में ले जाके सिखाने लगे पूरा। समाज तो मतलब सबको एक नज़र से देखता ही नहीं है, इनके बारे में गलत बोलो, उनके बारे में गलत बोलो, बस खुद तो कुछ करना नहीं है, कोई करता है तो उस पर रोक लगाना। तो उन लोग का ये सोच होता है लड़कियाँ बाहर जाती हैं तो बिगड़ जाती हैं, मतलब गलत रोड पे चली जाएंगी, तो इसीलिए कुछ डर के मारे वो लोग बाहर नहीं जाने देते। सर आगे का प्लान यही है कि हाँ मतलब देवी नंदन जैसे मतलब पढ़ पढ़ के ट्रीटमेंट कर करके उन्हीं जैसे फील्ड में हमें उतरे, उन्हीं जैसे काम करें।